Assalamu alaikum, dear student. Our next topic is electron microscope, chapter number 4, 9th class biology. आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट मीन दैट ई एम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज अ मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. ये जदीद माइक्रोस्कोप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इनटू द वैक्यूम चैम्बर. मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट और लेंस को एक वैक्यूम चैम्बर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खाने में रखते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसमें से बीम ऑफ लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट में से पास कर जाती है. जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये वाला, हमने ये जो ऑब्जेक्ट वैक्यूम चैम्बर में रखा है उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑब्जेक्ट में से पास कर जाती है. अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर जाए, बाज़ गॉज यूँ होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस बीम में ऑब्जेक्ट में से पास कर जाती है और बाज़ गॉज जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज. मतलब फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है वो हमारे पास इमेज बना देती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करते हैं? एनलार्ज करते हैं और बहुत बड़ा इमेज करके दिखाते हैं और फोकस करके दिखाते हैं फोटोग्राफिक फिल्म को. बच्चे इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? इस पैराग्राफ में हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है जिसको हम ईएम का नाम देते हैं, ये मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और लेंसेज को हम वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं. बीम ऑफ लाइट उसमें से पास थ्रो करती है उस ऑब्जेक्ट में से. अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में से पास कर जाते हैं, कुछ जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट से और मेक इमेज बनाते हैं ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करते हैं? अनलार्ज इमेज को अनलार्ज करते हैं और फोकस करते हैं ऑन द स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन द लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से ज़्यादा होती है. मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख मिलीमीटर. इट इज थाउजेंड फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप. इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अबाउट द 2,50,000 टाइम्स. अंडर द स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट द इंडिविजुअल एटम सेल ऑर्गेनेल्स एंड इवन द मॉलिक्यूल लाइक डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए एंड प्रोटीन आर मच लार्जर देन द सिंगल एटम. एक छोटे से एटम से बहुत बड़े होते हैं. इस पैराग्राफ में हमने बच्चों क्या पढ़ा है? आपने पहला पॉइंट बताना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रो आसान कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिजॉल्विंग पावर देन द लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है. पहला पॉइंट हो गया बच्चों. दूसरा पॉइंट आपने ये बताना है कि डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो आप कहेंगे 0.2 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/1 लाख मिलीमीटर. ठीक है, ये आप बता देंगे. उसके बाद आपने लिखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 फोल्ड बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप. फिर आपने ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना बड़ा इमेज करके दिखाती है, मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को दिखाती है. मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट 2,50,000 टाइम. मतलब 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखाती है इमेज को. फिर आपने कहना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक सिंगल एटम को, छोटे से एटम को भी डिटेक्ट करके दिखाती है जो छोटे से छोटा होता है. फिर आपने बताना है सेल्स ऑर्गेनेल्स और इवन के मॉलिक्यूल लाइक डीएनए एंड प्रोटीन आर मच लार्जर देन द सिंगल एटम. कि ये जो सेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं और इवन के मॉलिक्यूल जिसमें डीएनए और प्रोटीन आ जाती है, वो सिंगल एटम से बहुत बड़े होते हैं. उनको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाती है. बायोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टू टाइप बताई है. बेसिकली बायोलॉजिस्ट यूज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको TEM का नाम देते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको SEM का नाम देते हैं. बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. से बच्चे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइट इट्स नेम. तो आप लिखेंगे देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बाद का जो भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द TEM एंड SEM, तो आप बता सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
याद करने की टिप ये है कि टी और एम से याद टी और एस से याद रखें, टी के मतलब ट्रांसमिशन और एस से मतलब स्केलिंग। बाकी आप पहले ही चैप्टर का टॉपिक के शुरू में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ के आए हैं, वो इसके एंड में आता है, मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्केलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आखिर में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीईएम एंड एसईएम, तो आपने दोनों को पेज के ऊपर लिखना है, फिर आपने उसके सेंटर में लाइन लगानी है और दोनों में डिफरेंस लिखना है, फिर आपको दो नंबर दिए जाते हैं, वरना आपको दो नंबर नहीं दिए जाते। आपने एक पॉइंट डिफरेंस में नहीं लिखना होता बच्चे, कम से कम तीन या दो लिखने होते हैं, फिर आपको दो नंबर मिलते हैं बोर्ड में। तो हम अब इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं, टी एम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट आप बताएंगे कि इट इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकंड आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आ मीटर थ्रू द स्पेस में, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है वैक्यूम चैम्बर में उसमें से पास कर जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। और तीसरा आपने बताना है कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इंटरनल स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को करने में हमें मदद देती है। मतलब हम टीएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और एससीएम के बारे में कहेंगे कि इट इज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर आप कहेंगे दूसरे पॉइंट के इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ कोटेड। फिर आप तीसरा पॉइंट बताएंगे कि इसमें हम एससीएम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, ट्रांसमिशन में हम स्टडी करते हैं सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते हैं सेल के सिर्फ स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करती। तो इसमें बेटे आपसे आखिर में दो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इसमें से जो है वो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपने कहना है 250,000 टाइम्स, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है बच्चे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी है, लाइट माइक्रोस्कोप से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायमीटर बताएं आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो आपने ये वाला डायमीटर 1 नैनोमीटर 0.2 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन का डायमीटर होता है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये क्वेश्चन बहुत अहम है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इनको तैयार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप जो है वो घर में लेक्चर तैयार कर रहे होंगे। अब इजाज़त दीजिए, आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।